मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। ...2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही, जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली, यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया होता। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बिल, मेडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए। और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है, उनको फिशरमैन की चिंता नहीं है। यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बिल था, देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था, हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत कैसे उभरे वैसी दीर्घ दृष्टि के साथ सोचा गया था। उससे भी आपका इतराज, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है उससे जुड़ा हुआ था।
आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है। उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख यही आपके दिमाग पर सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। और माननीय अध्यक्ष जी, आप जुटे, एक दिन सदन चलने भी दिया, किस काम के लिए? आप जुटे तो अविश्वास प्रस्ताव पर जुटे और अपने कट्टर भ्रष्ट साथी, उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है, ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, नो बॉल नो बल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा, कब तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए, 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना, 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती हो, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है, आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा
जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था, और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनार कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो, और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है, कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थाई रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी देश के जीवन में, इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिशों को तोड़ करके एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए सपनों के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है। 21वीं सदी का ये कालखंड, और मैं बड़ी गंभीरता से इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखंड, सदी का ये वो कालखंड है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर हमारे चरण पर, और हम सब ऐसे टाइम पीरियड में हैं
चाहे हम हैं चाहे आप हैं, देश के कोटि कोटि जन है, ये टाइम पीरियड बहुत अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है बदलते हुए विश्व में। और मैं इन शब्दों को भी बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा, वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। 140 करोड़ देशवासी इन भारतीय समुदाय की सामूहिक ताकत, हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। हमारे देश की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य, आज विश्व ने उनका लोहा माना हुआ है, हम उन पे भरोसा करें कि हमारी युवा पीढ़ी भी जो सपने देख रही हैं, वो सपनों को संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और 2019 में भी उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके उनके सपनों को संजोने का सामर्थ्य कहां है, उनके संकल्पों को सिद्ध करने की ताकत कहां पड़ी है, वो देश भली भांति पहचान गया। और इसीलिए 2019 में फिर एक बार हम सबको सेवा करने का मौका दिया और अधिक मजबूती के साथ दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं के सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आशा अपेक्षा के मुताबिक वो जो काम करना चाहता है उसके लिए हम अवसर दें। सरकार में रहते हुए हमने भी इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। हमने भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को, खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख, उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और इस दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया, जब इतनी सानुकूल वातावरण, चारों तरफ संभावना ही संभावनाएं, इन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में
जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है। आज भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते, यही उनकी अवस्था है। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत के डीबीटी के और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए आईएमएफ ने इसे कहा है ये लॉजिस्टिकल मार्वल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, WHO ने कहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन्स के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जान बच रही है। ये 4 लाख कौन है? मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन है। हमारे परिवार के निचले तबके में जिंदगी गुजारने के लिए जो मजबूर हुए उनके जन हैं। ऐसे 4 लाख लोगों की जान बचने की बात WHO कह रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, WHO स्वच्छ भारत अभियान का एनालिसिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों को मरने से बचाया गया है। भारत स्वच्छ होता है 3 लाख लोगों की जिंदगी बचती है। 3 लाख है कौन? वही झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर है, जिनके लिए अनेक कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ता है। मेरे गरीब परिवार के लोग, शहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग, गांव में जीने वाले लोग हैं और वंचित तबके के लोग हैं जिनकी जान बची है। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। ये लेकिन भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है इसके लिए तो देश क्या कर सकता है? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं
मैं उस सोच से सहमत नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में, काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले तीन दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके, डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है, और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है, आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है, 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी, और मैं तीन उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया, और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था,
बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी एचएएल, ये एचएएल को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी, क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, वैसा ही उस समय एचएएल फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था, अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, एचएएल डूब रहा है, देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर यू एवर एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोपों के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बनकर उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था, एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है, क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है, शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है, और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है, और हम तो होने ही वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है,
देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ, ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है, लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो एक नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं अब देखिए, कितना कल्पना दारिद्र है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पर, बताओ। मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ ऑफ ही अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और इसलिए सोए सोए सब हो जाएगा, यही एक आदरणीय अध्यक्ष जी यह वजह है कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था, कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि कोई जादू से लकड़ी से हुआ है, लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एक निश्चित आयोजन प्लानिंग और कठोर परिश्रम, परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी, आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे, और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा,
और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले तीन में होगा। ये देश का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के मित्रों के फितरत में ही अविश्वास भरा पड़ा है। हमने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अविश्वास जताया। कैसे हो सकता है, गांधी जी भी आके गए, करके कह के गए, क्या हुआ? अब स्वच्छता कैसे हो सकती है? अविश्वास से भरी हुई इनकी सोच है। हमने मां बेटी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, उस मजबूरी से मुक्त होने के लिए शौचालय जैसी जरूरत पे जोर दिया, और तब ये कह रहे क्या लाल किले से ऐसे विषय बोले जाते हैं क्या? क्या ये देश की प्राथमिकता होती है क्या? हमने जब जनधन खाते खोलने की बात की, तब भी यही बात निराशा की। क्या होता है जनधन खाता, उनके हाथ में पैसे कहाँ है, उनका जेब में क्या पड़ा है, क्या लेके आएंगे, क्या करेंगे? हमने योग की बात की, हमने आयुर्वेद की बात की, हमने उसको बढ़ावा देने की बात की, तो उसका भी मखौल उड़ाया गया। हमने स्टार्टअप इंडिया की चर्चा की, तो उन्होंने उसके लिए भी निराशा फैलाई, स्टार्टअप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने डिजिटल इंडिया की बात कही, तो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने क्या भाषण किए, हिंदुस्तान के लोग तो अनपढ़ है, हिंदुस्तान के मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, हिंदुस्तान के लोग कहां से डिजिटल करेंगे? आज डिजिटल इंडिया देश आगे है। हमने मेक इन इंडिया की बात कही, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि उन्हें भारत पर, भारत के सामर्थ्य पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है। भाषण पूरा नहीं हुआ प्लीज अध्यक्ष जी। और ये विश्वास किस पर करते थे, मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था, और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने
आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया, इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था, ये इनकी प्रवृत्ति थी। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है, तुरंत उसको कैच कर लेते हैं, ऐसा मैग्नेटिक पावर है कि भारत के खिलाफ हर चीजें वो तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे कोई विदेशी एजेंसी कहती है कि भुखमरी का सामना कर रहा कोई कई देश भारत से बेहतर है, ऐसा झूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। भारत को बदनाम करने में क्या मजा आता है? दुनिया में कोई भी ऐसी बेतुकी बातों को मिट्टी के ढेले जैसी जिसकी कीमत ना हो, ऐसी बातों को तवज्जो देना, ये कांग्रेस की फितरत रही है और तुरंत उसका भारत में एम्पलीफाई करना, प्रचार करना पूरी कोशिश में लग जाती है। कोरोना में कि महामारी आई, भारत के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाया, उन्हें भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, उनको भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, विदेशी वैक्सीन पर भरोसा, ये इनकी सोच रही। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कोटि कोटि नागरिकों ने भारत के वैक्सीन पर विश्वास जताया, इनको भारत के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस, तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी, पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस, उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में